हम लोगों ने जब मूर्ति को बनाने का प्रयास किया और मूर्तिकार आए और उनको ये कार्य सौंपा गया और वो आज कर रहे हैं, तीन मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों के पास कोई डिज़ाइन एज सच नहीं थी। तो BHU के एक प्रोफेसर आर्ट्स के थे, उनको कहा गया कि आप 4 से 5 साल के बच्चे का एक कल्पना करके भगवान जैसी मूर्ति बनाएं जिसमें भगवान के अंश आ जाएं। और उनसे यह भी कहा गया कि जो मूर्ति हो वो बच्चे भी हों, उसमें श्रद्धा भी हो, उसमें शील भी हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अब वो आर्ट वर्क तो हो गया, अब जो स्कल्प्टर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं। एक स्कल्प्टर जयपुर के पत्थर का है और 2 स्कल्प्टर जो हैं वो कृष्णशिला कर्नाटक की पत्थर है उस पर बना रहे हैं। उन तीन में से कौन सी मूर्ति स्थापित होगी, ये कौन पूरा ट्रस्ट के सभी सदस्य अंत में निर्णय लेंगे कि इस तीन में से कौन सी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में यहाँ की जाए। और बाकी दोनों मूर्तियों का क्या होगा, इस पर अभी निर्णय नहीं है। जी। तो ये तो जो हम लोग सामने देख रहे हैं ये गर्भगृह है? नहीं, ये गर्भगृह नहीं आई है। आपको गर्भगृह का, आप अभी अंदर गई हैं? नहीं। हाँ, तो आपको दर्शन कराते हैं। हाँ ठीक है, मैं फिर भी बता सकूँगा। ये आप जो चल रहे हैं तो ये अनुमान लगाएं कि ईस्टर्न गेट ये जहाँ से हम, चूँकि बंद है तो हम लोग नहीं आ पाए, और उसी के सामने परकोटा आपको दिखाया था। अच्छा। यहाँ से ये 5 मंडप हैं। अच्छा। जो नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, इस प्रकार से रंग मंडप, आप ये जो मंडप है ये जहाँ ये लकड़ी से रुकावट लगी है ये गुरु मंडप है, और गुरु मंडप के बाद गर्भगृह है। अच्छा, उसके बाद? जी। तो ऐसे कितने मंडप? 5 मंडप और गर्भगृह। हाँ। और एक साथ कितने लोग आ जाएंगे मंदिर में? हम लोगों ने जो बिल्कुल अनुमान अभी प्रारंभ में किया है वो यह है कि एक साथ करीब जनवरी में जब शुरू होगा दर्शन तो 5,000 लोगों का टर्नओवर हो सकेगा। अच्छा। ऐसा अनुमान है। कारण क्या है कि उस समय फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे काम हो रहा होगा, तो वो काम भी हो रहा है और हमें श्रद्धालुओं की सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, तो एक पर्टिकुलर बैरिकेड होगा जिससे लोग जाएंगे और फिर वो बाहर आएंगे, और वो पूरा उनका रास्ता ऐसा होगा जहाँ निर्माण का कोई छींटा कोई बात उन पर ना आए। इसके फोल्डिंग्स तब लगी रहेंगी? ये इसके फोल्डिंग 99% हट जाएंगे।